नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी प्रयागराज। मित्रों, आज का एक अहम टॉपिक है, अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा या भारतीय राजस्व सेवा के संदर्भ में। इसके साथ राज्य स्तरीय प्रशासनिक योग के संदर्भ में आपकी लग्न चार्ट में ऐसे ग्रहों की भावगत पोजीशन कैसी होनी चाहिए या ऐसे कौन से योग होने चाहिए, अर्थात सिविल सेवक बनने के संदर्भ में उच्च स्तरीय भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा पुलिस सेवा अथवा राजस्व सेवा में जाने के ऐसे कैसे योग होने चाहिए, इसी बिंदुक्रम में एक छोटी सी व्याख्यान मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि आपके लग्न चार्ट अर्थात आपकी जन्म कुंडली में उन ग्रहों की पोजीशन मजबूत है अथवा नहीं है, ऐसे योग बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। एक छोटी सी चर्चा इसी टॉपिक विशेष पे एक छोटी सी वक्तव्य शैली का एक संबोधन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मित्रों, जैसे आपको मालूम है, आपको विदित है कि सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। जहां सूर्य केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करता है, वहीं सूर्य ऊंचे पद का कारक भी माना गया है। यश कृति सम्मान का कारकत्व ग्रह सूर्य को ही माना गया है। वहीं जहां चंद्रमा मन है, वहीं चंद्रमा राज्य सरकार का कारक है। अर्थात जहां सूर्य केंद्र सरकार की कारकत्व व्यवस्था को रेखांकित करता है, वहां चंद्रमा राज्य सरकार की व्यवस्था को संचालित करता है। अर्थात नौ ग्रहों की श्रृंखला में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध और शनि, अर्थात इन पांच ग्रहों की कैसी पोजीशन आपके लग्न चार्ट में बनी हुई है, प्रथमतः इसे जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, जहां बृहस्पति प्रशासनिक सेवा का कारक है, जहां बृहस्पति शिक्षा है, विद्या का कारक है, अर्थात एथिकल मोरल वैल्यू के इंटरप्रिटेशन के अलावा भी बृहस्पति को प्रशासनिक सेवा का कारक माना गया है। वहीं बुद्धि विवेक बुद्धि की व्यवस्था को संचालित करने वाला बुध अपरिहार रोल अदा करने वाला सुंदर ग्रह माना गया है। अर्थात इसके अलावा अगले चरण में पांचवा ग्रह शनि है। यद्यपि प्रशासनिक सेवा से ताल्लुकात शनि नहीं रखता है, परंतु आपके जीवन में न्याय होना है अथवा नहीं होना है, इसका इंडिकेशन शनि देता है। मित्रों, अर्थात आपकी लग्न कुंडली में क्रमशः सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शनि की भावगत पोजीशन कैसी है, ग्रह स्पष्टीकरण कैसा है, इन पांच ग्रहों के श्रृंखलाबद्ध तरीके अर्थात ऐसे उपागम, ऐसे योग, ऐसे भावगत स्थिति वश बने हैं अथवा नहीं है, प्रथमतः आपको यह जानकारी रखनी है। मित्रों, आपका लग्न अर्थात लग्नेश कैसा है, पहले तो आप जांच ले कि जिस लग्न के अधिपति व्यवस्था में आप हैं, आपका लग्न कुंडली के सापेक्ष प्रथम तनु भाव का अधिपति प्लैनेट कैसा है और चंद्रमा की पोजीशन कैसी है। मित्रों, लग्न कुंडली में बहुत कुछ अहम भाव ऐसे हैं जिसे आप डिनाइट नहीं कर सकते। अर्थात जहां पहला भाव आपके व्यक्तित्व, आपके विचारधारा की व्यवस्था को संचालित करती है, अर्थात आपकी सोच कैसी है, वही पंचम भाव सरकार का कारक है। आपके शिक्षा आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड को इंडिकेट करती है। वही छठा भाव जहां प्रतियोगिता भाव अर्थात सेवा का कारक है, अर्थात पहला भाव जहां विचारधारा व्यक्तित्व की श्रृंखलाबद्ध तरीके को इंडिकेट करती है, वहां पंचम भाव सरकार की कारकत्व व्यवस्था को संचालित करती है। वहीं छठा भाव आपकी सेवा का कारक व्यवस्था को बताती है। वहीं सातवां हाउस सप्तम भाव पद प्राप्ति की योग काल की व्यवस्था को बताती है। नाइन्थ हाउस लीडरशिप को बताती है। वहीं दसवां भाव राज्य सरकार और प्रशासन के भाव के रूप में माना गया है। वहीं ग्यारहवां हाउस लाभ के भाव सचिवालय और मंत्रालय के भाव को माना गया है। अर्थात आपकी लग्न कुंडली में पहला, पंचम, छठा, सप्तम, नवम, दसम और इलेवेंथ भाव की पोजीशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते। एक कैलकुलेशन के सापेक्ष इस भावगत पोजीशन को आप बिल्कुल सुंदर तरीके से ट्रेस आउट करने का प्रयास कर सकते हैं। मित्रों, अर्थात जब पहले भाव, पंचम भाव, छठे, सप्तम, नवम और दसम, इलेवेंथ भाव का जो अधिपति प्लैनेट है, इतने सारे भाव जो मैंने बताया, अर्थात आपको मैंने सात भाव बताया, इन सप्तम भाव सातों भाव के अधिपति प्लैनेट में
कितने ग्रहों की युति अर्थात इन सातों भाव के अधिपति ग्रह में कितने ग्रहों की युति बनी है या अपने स्वयं अपने भावगत पोजीशन में हैं अथवा नहीं है, इसे ध्यान समझने की चेष्टा करें। अर्थात पहला भाव पंचम षष्ठम सप्तम नवम दसम और इलेवेंथ भाव के अधिपति ग्रहों में कितने ग्रहों की युति बनी हुई है या वह अपने स्वयं अपने भाव में हैं अथवा नहीं है। अगर ऐसा रिलेशन बनता है तो सिविल सेवक अर्थात प्रशासनिक सेवक बनने का सुंदर योग के रूप में माना गया है। दूसरी चीज, इन सात भाव के अधिपति प्लैनेट अर्थात व्यक्तित्व भाव का अधिपति जो प्लैनेट है वह सूर्य चंद्रमा बुध बृहस्पति शनि मंगल अर्थात इतने ग्रहों से युतिबद्ध होने चाहिए या अपने सुंदर भाव स्वयं अपने भाव में होना चाहिए, तो एक सुंदर योग बनता हुआ प्रतीत होता है अर्थात प्रशासनिक सेवा में जाने का सुंदर योग बनता है। मित्रों, कुछ राशियां ऐसी हैं 12 राशियों में अर्थात कुछ राशियां ऐसी हैं जिन जो सरकार को संबोधित करती हैं अर्थात आपकी लग्न कुंडली के सापेक्ष जिस मुहूर्त काल में आपका जन्म हुआ है अर्थात आपकी मेष राशि सिंह राशि धनु राशि कर्क राशि मकर राशि कन्या या मीन राशि है तो इन राशि वालों के लिए बेहतर योग बनता है अर्थात या सरकार से संबंधित राशियां हैं। मित्रों, आपके लग्न कुंडली में आपके ग्रहों का अंश का अर्थात ग्रह अस्पष्टीकरण भी देखना जरूरी है अर्थात उनकी एंगल कैसी है, एंगल अर्थात अंश वाइज अगर देखते हैं तो वह कमजोर ना हो, 0 डिग्री 2 डिग्री तक ना हो, 29 और 30 डिग्री का ना हो। मित्रों, अगले चरण में अर्थात ऐसे कौन कौन से योग हैं प्रशासनिक व्यवस्था में जाने का, दशम भाव की महत्वपूर्ण भूमिका है जहां दशम भाव राज्य का भाव है प्रशासन का भाव है अर्थात आपको यह चेक करना है कि दशम भाव का अधिपति ग्रह किस भाव में है, किन ग्रहों से युतिबद्ध है या किन ग्रहों से उसके दृष्टिगत रिलेशन है। अर्थात अगर आपके लग्न कुंडली में दशम भाव का अधिपति प्लैनेट लग्न में हो, पंचम में हो, छठे भाव में हो, सप्तम भाव में हो, नाइन्थ टेंथ या इलेवेंथ भाव में हो तो बहुत ही सुंदर योग के रूप में एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत एक राजयोग के रूप में माना गया है। पंचम भाव मूल त्रिकोण भाव है, छठा भाव जहां प्रतियोगिता का भाव है, सप्तम भाव केंद्र का भाव है, दशम भाव राज्य भाव है और इलेवेंथ हाउस लाभ के भाव को इंडिकेट करता है। मित्रों, अगले चरण में केंद्र त्रिकोण राजयोग, इसका तात्पर्य होता है कि आपके लग्न कुंडली में पहला चौथा सप्तम और दशम या चार केंद्र के भाव है, पंचम नवम हाउस या मूल त्रिकोण भाव है। अगर चतुः केंद्र के अधिपति ग्रह का रिलेशन पंचमेश से हो जाए या भाग्य भावेश से हो जाए या पंचम भाव का अधिपति नाइन्थ हाउस का लॉर्ड की युति बन जाए, दशम भाव राज्य भाव का अधिपति ग्रह की युति पंचम भावेश या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड से हो जाए या दो केंद्र के अधिपति ग्रहों की युति पंचमेश या भाग्य भावेश से हो जाए तो इसे मूल त्रिकोण केंद्र त्रिकोण राजयोग के रूप में माना गया है, जाना गया है, जो प्रशासनिक सेवा के एक लाक्षणिक स्थिति को मुहर लगाता है अर्थात उसमें एंट्री कराने का एक सुंदर योग देता है। मित्रों, अगले चरण में प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए आपके लग्न से ध्यान दें, आपके लग्न से छठे भाव सातवें भाव और अष्टम भाव में शुभ ग्रह होना चाहिए। ठीक इसी रूपरेखा में चंद्रमा से भी छठे सातवें और आठवें शुभत्व शुभकारी ग्रह का योग बनता हुआ या उनकी स्थिति हो तो एक प्रशासनिक सेवा योग के लिए बहुत ही सुंदर बेहतरीन योग है। मित्रों, अगले चरण में अगले पड़ाव में अर्थात प्रशासनिक सेवा के योग के लिए पंच महापुरुष योग को आप डिनाइट नहीं कर सकते। पंच महापुरुष योग अर्थात पांच प्रकार के योग हैं अर्थात कोई ग्रह शनि ग्रह शनि से षष पंच महापुरुष योग बना है, केंद्र में शनि मकर या कुंभ राशि अपने राशि का हो या उच्चगत तुला राशि का विराजमान हो तो शश योग की निर्मिति होती है। इसी प्रकार
मालव योग शुक्र से बनता है, अर्थात शुक्र की स्वयं की राशि वृषभ या तुला राशि या उच्च की मीन राशि से अगर शुक्र केंद्र में पहले चौथे सप्तम दशम भाव में स्थित हो तो पंच महापुरुष योग मालव योग का निर्माण होता है। इसी प्रकार बुध से भद्र पंच महापुरुष योग बनता है, अर्थात मिथुन राशि कन्या राशि स्वयं की राशि का बुध या उच्च की कन्या राशि का केंद्रगत रिलेशन में हो तो भद्र पंच महापुरुष योग बनता है। हंस पंच महापुरुष योग जो बृहस्पति से बनता है, अर्थात केंद्रगत रिलेशन में धनु या मीन राशि का पहले चौथे सप्तम दशम भाव में बृहस्पति विराजमान हो या उच्च की कर्क राशि का हो तो हंस पंच महापुरुष योग बनता है। रोचक पंच महापुरुष योग जो मंगल से अर्थात मेष या वृश्चिक राशि का अगर मंगल विराजमान हो चतुः केंद्र में पहले चौथे सप्तम दशम भाव में या उच्च का मकर राशि का विराजमान हो तो उसे रोचक पंच महापुरुष योग बनता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात सिविल सेवा में प्रशासनिक सेवा में जाने की इस पांच महापुरुष योग इस पंच महापुरुष योग की श्रेणी में शनि से शश योग और बृहस्पत से हंस योग को वरीयता प्रदान की गई है। अर्थात अगर बृहस्पत और शनि अपने स्वयं की राशि या उच्च की राशि में केंद्र में रिलेशन बनाते हों तो प्रशासनिक सेवा के लिए बड़ा ही उत्तम माना गया है। मित्रों, प्रशासनिक सेवा के अगले चरण में गज केसरी योग अर्थात बृहस्पति को प्रशासनिक क्षमता का कारक माना गया है, वहीं चंद्रमा मन है। अर्थात जब चंद्रमा बृहस्पति की युति हो और इसके अलावा बृहस्पति वर्सेस चंद्रमा परस्पर केंद्र में हो अर्थात परस्पर केंद्रगत स्थिति में हो तो गज केसरी योग अर्थात एक बेहतर प्रशासनिक क्षमता युक्त व्यक्तित्व निर्मिति के योग काल में लाता है। बुधातिथि योग अगले चरण में अगले पड़ाव में सूर्य और बुध की जब युति बनती है, यद्यपि सूर्य से निकटतम प्लैनेट बुध ही होता है, ये बहुत बड़ा योग नहीं है, फिर भी अगर सूर्य और बुध की युति केंद्र या पंचम नवम त्रिकोण भाव में बनता हो तो सुंदर माना गया है। मित्रों, अगर चंद्रमा नाइन्थ हाउस में अकेला विराजमान हो, सुंदर राशि में हो, अच्छे पोजीशन में हो, अर्थात भाग्य भावस्थ पोजीशन में हो तो प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने वाला एक सुंदर योग के रूप में उसे माना गया है। मित्रों, अब सवाल उठता है कि आईएएस बनने के लिए अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा में इंक्लूड होने के लिए ऐसे और कौन से विशिष्ट योग आपके लग्न कुंडली में होना चाहिए। अर्थात मित्रों, बृहस्पति की पोजीशन आपके जन्म कुंडली में बहुत सुंदर होना चाहिए। अर्थात बृहस्पति का कोरिलेशन अर्थात सहसंबंध लग्न अर्थात तनु भाव प्रथम भाव या लग्नेश अर्थात प्रथम भाव के अधिपति ग्रह से हो जाए या पंचम मूल त्रिकोण भाव में उसकी स्थिति हो या पंचमेश से युतिबद्ध हो जाए अथवा नाइन्थ हाउस जो भाग्य भाव है नाइन्थ भाव में बृहस्पति का रिलेशन हो या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड से उसकी युति हो जाए, टेंथ राज्य जो केंद्र का भाव है उसमें बृहस्पति की पोजीशन बनती हुई प्रतीत हो रही हो या दसम भाव राज्य भाव के अधिपति प्लैनेट से युति हो जाए तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में एंट्री करने का एक गजब ही सुंदर योग बनता हुआ प्रतीत होता हुआ देखा गया है। मित्रों, अगले चरण में आईपीएस बनने के लिए मंगल की पोजीशन कैसी है अर्थात मंगल का प्रभाव कैसा है आपके लग्न कुंडली में। अर्थात जब मंगल सूर्य चंद्रमा बृहस्पति बुध या व्यक्तित्व भाव लगने से युतिबद्ध होते हुए ध्यान देंगे, जब मंगल की युति सूर्य चंद्रमा बृहस्पति बुध या व्यक्तित्व लगने से युतिबद्ध होते हुए केंद्र में उसकी युति बनती हो, पहले चौथे सप्तम दशम भाव में या पंचम नवम मूल त्रिकोण भाव में युति बनती हो या तीसरे छठे सातवें दशम और ग्यारहवें भाव में युति बनती हो तो आईपीएस बनने का एक बड़ा ही लाजवाब सुंदर योग बनता हुआ प्रतीत होता है। मित्रों, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगले चरण में अगले पड़ाव में आईएफएस अर्थात भारतीय विदेश सेवा की बात कर रहा हूं। भारतीय विदेश सेवा, विदेश अर्थात लग्न कुंडली में द्वादश भाव को व्यय भाव माना गया है, विदेश का भाव माना गया है और बुध का बहुत ही सुंदर होना जरूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि बुध को डिप्लोमेसी का कारक माना गया है। अर्थात बुध का जब रिलेशन व्ययेश द्वादशेश से होता है, यह जरूरी है
कि बुध का सह संबंध द्वादश भाव के अधिपति ग्रह से हो जाए या द्वादश भाव का अधिपति लॉर्ड द्वितीय धन भाव में आ जाए, अर्थात द्वादश भाव विदेश भाव माना गया है, उस विदेश भाव का अधिपति द्वादशेश ग्रह का अर्थात द्वादश भाव का अधिपति ग्रह का कोरिलेशन लग्न के अधिपति या लग्न से हो जाए, दूसरे भाव धन भाव में उसकी पोजीशन बनी हो या दूसरे भाव के अधिपति ग्रह से युतिबद्ध हो जाए या बुध से रिलेशन बना ले, और ऐसा होते हुए जब सूर्य चंद्रमा बृहस्पति शनि या व्यक्तित्व भाव का अधिपति जो प्लैनेट है उसका रिलेशन द्वादश भाव के अधिपति ग्रह से युति बना ले तो पूर्ण योग एक IFS की अर्थात भारतीय विदेश सेवा बनने के योग काल में ऐसा जातक एंट्री कर जाता है। मित्रों, अगला पड़ाव भारतीय राजस्व सेवा अर्थात IRS। मित्रों, धन का कारक बुध को माना गया है और लग्न कुंडली में आठवां भाव जो रहस्य मृत्यु का भाव है उसे राजस्व का भाव के रूप में माना गया है। मित्रों ध्यान दें, जब आपके लग्न कुंडली में जब अष्टम भाव का अधिपति ग्रह बुध की युति हो जाए और सूर्य चंद्रमा या व्यक्तित्व भाव अधिपति ग्रह बुध या बृहस्पति की युति दूसरे छठे आठवें नवें दसम और एकादश भाव से युति हो जाए तब ऐसा योग बनता हुआ प्रतीत होता है। मित्रों, अष्टम भाव जो राजस्व का भाव है और बुध धन का कारक है अर्थात अष्टमेश मृत्यु भाव का अधिपति जो भी प्लैनेट हो और बुध का रिलेशन सूर्य चंद्रमा या व्यक्तित्व भाव लग्नेश या बृहस्पत बुध से दूसरे छठे आठवें नवें दसम इलेवेंथ में अगर युति बनती हुई प्रतीत होती है तो IRS बनने का योग को पूर्ण करता हुआ ऐसा सुंदर योग बनता है। मित्रों, यह तो कुछ विशिष्ट योग की हमने बात कही, इसके अलावा 27 प्रकार के नक्षत्र में किसी लग्न कुंडली विशेष में सूर्य से संबंधित नक्षत्र या चंद्रमा बृहस्पति और बुध से संबंधित नक्षत्र अगर होते हैं तो बहुत ही सुंदर माना गया है। इसी के साथ जो वर्ग चार्ट की कुंडली है उसमें D9 और D10 अर्थात नौमांश कुंडली और दशमांश कुंडली पे भी विचार कर लेना चाहिए, अर्थात आपका लग्नेश आपकी लग्न चार्ट में लग्नेश की पोजीशन D10 चार्ट में बेहतर पोजीशन में होनी चाहिए या वर्गोत्तम होनी चाहिए, अर्थात उसी राशि में विराजमान हो। दशम भाव का अधिपति लग्न चार्ट में दशमेश या लग्नेश की पोजीशन अगर D10 चार्ट में वर्गोत्तम है उसी राशि में है तो बहुत ही बेहतर माना गया है। मित्रों, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा या राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवा में इंक्लूड होने के लिए ऐसे कौन कौन से कारक ग्रह हैं, किन भाव की विशेषता में संपुष्टता होनी चाहिए और इसके अलावा कौन से ऐसे विशिष्ट योग हैं, एक छोटी सी चर्चा के साथ मैं आपको संतुष्टि प्रदान करने के संदर्भ में अर्थात आपकी लग्न चार्ट क्या कहती है, आप अपने लग्न चार्ट के कोरिलेशन जो हमने बताए हुए हमारे सिद्धांत हैं उस सिद्धांत की कैसी मैचिंग है, अर्थात मित्रों एक छोटी सी वाक्यांश का प्रस्तुतिकरण अर्थात सिविल सेवा बनने के कैसे योग होने चाहिए। इसी के साथ मित्रों, मैं प्रमिल चतुर्वेदी ज्योतिर्विद इलाहाबाद, नमस्कार।